चलता आ रहा है 2016 से सुंदरकांड यहाँ पे चलता आ रहा है, और जो सुंदरकांड के बाद और भक्ति में जैसी लोगों की भीड़ थी, लोगों की इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की इच्छा भी पूरी हो रही हैं, तभी भीड़ बढ़ती जा रही है कि एक आस्था का केंद्र ये जगह बन चुकी है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे जरा तस्वीर जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 31 फुट के जो है यहाँ पे हनुमान जी हैं। और जनता ये है कि यहाँ जो भी लोग मांगते हैं सद्धे मन से वो पूरा होता है, हाँ यही मानता है यहाँ का, हाँ जो मांगो वो सभी मन्नतें पूरी कर, जो मांगते हैं वो पूरी हो जाए। अच्छा लगता है यहाँ पे आके, मन को शुद्धिकरण मिलता है पूरे दिन का, अच्छा लगता है यहाँ पे आके। श्रद्धा है तो डेली आते हैं, हर मंगलवार को आते हैं। स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। इस समय में जो है संतर साहब में पहुंचा हूं, जो पंतजलि का फेस वन है। फेस वन से सीधी रोड जा रही है, इस रोड पे आप देख सकते हैं हनुमान जी का जो है ये आपको मंदिर नज़र आ रहा होगा। और इस मंदिर की खास बात ये है, क्योंकि इस मंदिर पे इसलिए पहुंचे हैं आज हम, क्योंकि जो है इस मंदिर को ये 31 फुट के हनुमान जी हैं, और भीड़ आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है आपको भीड़ नज़र आ रही होगी, क्योंकि आज मंगलवार है और महावीर का वार है। तो इसीलिए जो है इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और किस तरह की मान्यताएं हैं, और यहाँ पे जो सैकड़ों की संख्या में मंदिर तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन इतनी भीड़, क्योंकि जब किसी मंदिर की मान्यताएं हो या कुछ चीज़ें हो वहाँ, तभी वहाँ सैकड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँचते हैं, और इस मंदिर से जो है सैकड़ों लोगों की जो है आस्था जुड़ी हुई है। क्योंकि इस मंदिर में अहम बात क्या है कि यहाँ पर जो है जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी मांग करते हैं, वो उनकी मनोकामना तो पूर्ण होती है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर मंगलवार को जो है सुंदरकांड का भी आयोजन किया जाता है। जिस तरीके से जो है पूजा अर्चना के साथ में जो भी पूजा अर्चना करने का जो तरीका होता है, उस तरीके से जो है यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ जो है ये जो मंदिर है यहाँ पर जो है आस्था फाउंडेशन है, आस्था हेल्प फाउंडेशन के नाम से है, सैनी जी जो है वो भी है, और उनसे बातचीत करेंगे जो उस फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं वो अमित सैनी जी, हमारे साथ में बातचीत करने के लिए इनसे जानेंगे। अमित जी सबसे पहले स्वागत है आपका। जय श्री राम मोनू सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चैनल के माध्यम से। आप मंदिर को दिखा रहे हैं, और जो हनुमान जी की कृपा है और श्री राम जी की कृपा है आप पे भी है, और सब पूरे देश पे आजकल श्री राम जी की जो कृपा चल रही है उसका तो कुछ कहना ही अलग है। अब देख लिया आज मैं भी आरती से बाहर आया हूँ, मेरा हाल देख लीजिए, क्योंकि अंदर जाने के बाद जो होता है ना, जो एक जुनून चढ़ता है श्री राम जी का, और वो आजकल तो भोले जी का भी दिन शुरू हो गया ना, सावन का दिन शुरू हो गया, जो भोले बाबा का और श्री राम जी का और हनुमान जी का जो जुनून चढ़ता है वह पूछो मत, क्योंकि मैं तो गदगद हो रखा हूँ, पूरी दुनिया भी गदगद ही है। जय श्री राम। बताइए मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है कि यहाँ पे जो है आज मंगलवार के दिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है भक्त पहुँचते हैं, क्या वैसी वजह? ये वजह तो खुद आप खुद जान सकते हैं, ये वजह खुद भक्त बताएंगे इसके बारे में, वजह कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि भक्तों को यहाँ पे आने में पूजा करने में विधि विधान से जो पूजा होती है उसमें आनंद आता है, और उसके बाद जो प्रसाद वितरण होता है, और जो यहाँ पे सुंदरकांड पहले से चलता आ रहा है 2016 से सुंदरकांड यहाँ पे चलता आ रहा है, और जो सुंदरकांड के बाद और भक्ति में जैसी लोगों की भीड़ थी, लोगों की इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की इच्छा भी पूरी हो रही है, तभी भीड़ बढ़ती जा रही है। जय श्री राम। एक चीज़ बताइए अमित जी, अभी जो है सावन का माह चल रहा है, और जो है कावड़ यात्रा भी जो है यहाँ प्रारंभ हो चुकी है, सावन का महीना है, तो ऐसे में क्या आपके माध्यम से मंदिर का तो आप जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है मैनेजमेंट करके रख रहे हो, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या इस तरह से जो है सावन माह में कोई विशेष कार्यक्रम या कुछ इस तरह का भंडारे का आयोजन या किसी और तरह का कोई चीज़ें का? जब मैं छोटा सा था हमारे यहाँ पे जो अपना उधर ऑफिस है हाईवे पे जहाँ कावड़ चलती है, वहाँ पे भी हम जब से कावड़ चलती है, मैं जब से छोटा सा था तब से भंडारे चलते हैं, कंटिन्यू भंडारे चलते हैं, और पिछले साल भी हमने भंडारा दिया था, 2-3 दिन का फ्री भंडारा चलता है हमारी तरफ से, उसमें खाना पीना रहना और आपको नहाने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था भक्तों के लिए, जितने भी भक्त कावड़ आती है यहाँ पे सब के लिए हम पूरी सेवा में लग जाते हैं। 2-3 दिन तो हमें पूरे यानी कि भोले के कपड़े पहन करके भोले झूम उसमें पूरा दिन
मगन में मगन होते रहते हैं। बस जय श्री राम और भोले बाबा की जय हो। मुझे सैनी जी एक चीज़ और बताइए, आपके यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो व्यवस्था आप कैसे मैनेजमेंट करके रखते हैं? मैनेजमेंट मेरे हाथ में नहीं, सबसे मैनेजमेंट वाले वो खड़े श्री राम जी बजरंगबली जी, उनके हाथ में मैनेजमेंट है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, वही हैं, क्योंकि सबके बड़े कोतवाल वही हैं। अगर आप किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे तो सबसे पहले कोतवाल साहब को मिलेंगे, जैसे श्री राम से मिलना चाहेंगे तो पहले हनुमान जी को पूछना पड़ेगा, हनुमान जी खुश होंगे तो श्री राम जी खुश होंगे, इसलिए व्यवस्था खुद अपने आप ही देख लेते हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? और मैं सनातनी हूँ, सनातन को आगे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा हूँ और जितने भी भक्तों से उम्मीद करता हूँ कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो और जो भी कोई यहाँ पे व्यवस्था अव्यवस्था में जो भी कमी हो मुझे बताएं, मैं उसको ठीक कराने की कोशिश करूँगा। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं अमित जी थे जो कि यहाँ के संस्थापक हैं और जो है जो जो मैनेजमेंट यहाँ की मंदिर की जो जिनके जो इसकी बागडोड़ जो संभाल रहे हैं अमित जी थे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी जो है प्रसाद का वितरण जो है यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। प्रसाद जो प्रसाद की जो है व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर है। प्रसाद जो है श्रद्धालुओं को जो है प्रसाद जो है वितरण किया जा रहा है। उसके अलावा जो है और भी है, त्यागी जी हैं जो कि इस जो यहाँ का मैनेजमेंट है उसमें अहम हिस्सा है। तो त्यागी जी क्या कहेंगे आप जो है जिस तरह का जो कार्यक्रम मतलब कि जो है आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाई, जल्दी लाग गए अचरज नाइए, कोई अचरज की बात नहीं है। हमारे जो हनुमान जी हैं यहाँ पे मैंने खुद अनुभव किया है, जैसे आजकल कोर्ट है बहुत जल्दी फैसला सुना रही है तो भक्तों के कष्ट तुरंत, आप खुद करके देखें एक बार, मेरा निजी अनुभव भी है कई बार हुआ है यहाँ पे। कुछ अगर आप सच्चे मन से राम जी का नाम लेकर इनसे कहते हैं हनुमान जी से तो फास्ट ट्रैक की तरह आपका तुरंत काम होगा। इसलिए भक्तों की भीड़ है, ये भक्त लोग हमें तरह तरह की बातें बताते रहते हैं कि मैंने यहाँ बोला था ये था वो था। तो जैसे आजकल अदालत बहुत फास्ट ट्रैक कर रही है, अदालत तुरंत फैसला सुना रही है, हनुमान जी अपनी कृपा तुरंत कर रहे हैं यहाँ पर, ये कृपा हो रही है हनुमान जी। तो आपने देखा होगा लोगों में क्योंकि यहाँ पर जो है इनका जो श्रद्धालु है दूर दराज से जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी हम जो है मांगते हैं जो भी इच्छाएं हमारी होती है वो कैसे भीड़ है और उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जो श्रद्धालु है अभी आप देख सकते हैं जो है लगातार यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है मंदिर में इस समय और जो है लगातार अपना जो है जो मनोकामना है वो जो है लोग जो है मांग रहे हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे, कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विश्वास सक्सेना है। मतलब कि एक चीज़ बताइए, ऐसी क्या वजह है इस मंदिर में जो इतनी भीड़ है? ऐसा है, विगत लगभग 1.5 साल से यहाँ पे जो ये 31 फुट श्री हनुमान मंदिर सांता साहा में है, यहाँ पे एसके सैनी आस्था हेल्थ फाउंडेशन के सौजन्य से सुंदरकांड का पाठ यहाँ पे लगातार अनविरत चलता आ रहा है, जिसके पश्चात में यहाँ पे प्रसाद वगैरह का वितरण होता है देसी घी के प्रसाद का। और आज लोगों की धर्म के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पहले बहुत कम लोग आते थे लेकिन आज यहाँ पे बहुत संख्या में श्रद्धालु आते हैं और हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ यहाँ पे करते हैं साथ में, और उसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से जाते हैं। और देखिए जहाँ पे सारी चीज़ें आके रुक जाती वहाँ से ईश्वर की चीज़ें शुरू होती है और ये एक आस्था का केंद्र है बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे आसपास में इतना सुंदर भव्यमय मंदिर कोई नहीं है और इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ से आते हैं। और कहा जाए कि उत्तराखंड की शुरुआत तो हरिद्वार से होती है और हरिद्वार क्या है, ये पंजली एक लैंडमार्क है और पंजली के सामने ही ये 31 फीट श्री हनुमान मंदिर है। तो लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे माथा टेक के जाएं आगे की यात्रा हमारी। बताइए मंदिर तो और भी है, बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन जो है ऐसा इस मंदिर में ऐसी क्या मान्यता है इस मंदिर की जो इतनी भीड़ और जो है लोगों की इतनी आस्था जो है इस मंदिर से जुड़ी हुई है? जी देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर कोई भी मंदिर है वहाँ पे विधि विधान से पूजा अर्चना करी जाए तो वहाँ की मान्यता दिन ब दिन बढ़ती जाती है। 31 फीट श्री हनुमान मंदिर की खास बात यह है कि पिछले 1.5 साल से हर मंगलवार को अमित सैनी जी जो संस्थापक हैं उनकी और उनके टीम के द्वारा, मैं भी उनका मीडिया प्रभारी हूँ, उनकी टीम के द्वारा यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ लगातार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीच बीच में हम लोग यहाँ पे इतना भव्य संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन करते हैं, बाबा के भंडारे यहाँ पे चलते रहते हैं। अब कांवड़ शुरू हो गई, कांवड़ में भंडारे शुरू हो जाएंगे। तो क्या है कि एक आस्था का केंद्र ये जगह बन चुकी है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे जो धार्मिक गतिविधियाँ हैं वो सब यहाँ पे देखते हैं तो उनका वो प्रसन्न होते हैं ये सब देख के कि धर्म के प्रति यहाँ से बढ़ावा मिल रहा है लोगों को। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो पहले मंदिर नहीं आते थे, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे हनुमान चालीसा में
हर मंगलवार को छोटे छोटे बच्चे हनुमान चालीसा के पाठ में यहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी पहल है। तो आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर भीड़ है। सबसे पहले मैं कहूँगा एक बार जरा तस्वीर जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें, जो 31 फुट के जो है यहाँ पे हनुमान जी हैं, और उसके अलावा और जो और लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा एक बार ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि जो है सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पर जो है भीड़ है, जो श्रद्धालु है वो इस समय उपस्थित है। तो यहाँ पर और भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी है। ये बताइए क्या मांगने के लिए पहुँचे हैं? मेरे बेटे के लिए तरक्की चाहिए, मेरे बेटे के लिए तरक्की चाहिए। तरक्की चाहिए इसलिए बेटे के बताया जाता है। इस मंदिर की काफ़ी मान्यताएं हैं, यहाँ जो श्रद्धालु जो मांगते हैं वो पूरी होती है। सहारनपुर के रहने वाले हैं हम, भी यहाँ पे किराए पे रहते हैं, एक साल हो गया है हम आते हैं जब भी। कृपा हुई है? हाँ हाँ, कुछ कृपा हुई है, कुछ और बाकी है जो मेरे बेटे के लिए चाहिए मुझे। जो बेटे के लिए चाहिए तो और भी है। आंटी जी क्या नाम है आपका? अंजलि। अच्छा, क्या क्या मांगने के लिए पहुँचे, क्या मांगे? हमारे बाबू का स्वास्थ्य सही रहे, थोड़ा बीमार रहता है, बस यही कामना है। एक चीज़ बताइए आंटी जी, इस मंदिर की इतनी मान्यता क्यों है? मतलब कि यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दूर से भी यहाँ पर लोग आते हैं, और बहुत जो है हनुमान जी की वैसे क्या विशेषता है? यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ जो भी लोग मांगते हैं सद्धे मन से वो पूरा होता है। हाँ, यही मानता है यहाँ का। हाँ, जो मांगो वो सभी मन्नतें पूरी कर, जो मांगते हैं वो पूरी पूरी हो जाती है। हाँ हाँ, और भी है यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हमसे बाजी। क्या नाम है आपका? राधा सैनी। क्या 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 मतलब क्या मांगे आज, क्या मांगा हनुमान जी से? मैं कुछ नहीं मांगने आई, बस दर्शन करने आई हूँ हनुमान जी के। अच्छा लगता है यहाँ पे आके, मन को शुद्धिकरण मिलता है पूरे दिन का, अच्छा लगता है यहाँ पे आके। एक चीज़ बताइए, मतलब कि मंदिर और भी बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों रहती है, ऐसी क्या मान्यता है? मान्यता सबकी अलग अलग ही होती है। मेरे हिसाब से तो मैं अपनी बताती हूँ, मुझे, मैं लड़की हूँ, हनुमान जी को अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, और सभी अपनी मन की आशा लेके आते हैं यहाँ पे, जो भी, बस इतना ही। तो आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु से उनसे हमने बातचीत की, और जो है बता रहे हैं कि जो है मंदिर की जो मान्यते हैं यहाँ पर, जो भी मतलब कि जो है अपनी मांग करते हैं तो वो जो है कहीं ना कहीं पूरी होती है। तो भैया इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा शेखर नाम है। कहाँ से आए हो? मैं यहीं रहता हूँ, हरियाणा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, प्रश्न मेरा एक है आपसे कि ऐसी क्या वजह है, क्या मान्यते हैं जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, और जो है क्या वजह है इसकी? ये इसका ये वजह कि मतलब यहाँ हम हमारी जो संस्कृति है, भारत का संस्कृति जिसमें सनातन धर्म है, जो कि सनातन धर्म का जो ध्वज है, ध्वज पताका पूरे विश्व में मतलब आदिकाल से फहरा रहा है और अभी भी है और सब दिन फहराते रहेगा, जिसमें हमारे हनुमान जी का सब दिन से ही मतलब प्रताप रहा है और हनुमान जी की कृपा सबके ऊपर है। तो इसीलिए अभी हनुमान जी हमारे सबके ऊपर कृपा करते रहते हैं, और हनुमान जी जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है बिल्कुल। कलयुग में तो साक्षात हनुमान जी ही हैं, और बहुत को अनुभव भी हुआ है, बहुत का दर्शन भी हुआ है, जिसके बहुत सारे प्रमाण हैं। कितने प्रमाण दूँ, जितने आप ग्रंथ में जाएंगे। क्या 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 मांगा था आपने जो पूरा हो गया? मैं तो बहुत पहले से यहाँ से जुड़ा हूँ, हमारे एस के सैनी आस्था हेल्थ फाउंडेशन से। मैं संगीत है, हम संगीत करते हैं, जो कि संगीत द्वारा मैं हनुमान जी का सेवा सब दिन से देते आ रहा हूँ और देते रहूँगा। और संगीत हमारे हनुमान जी बहुत अच्छे एक संगीतकार थे, बहुत अच्छा संगीतकार थे, और संगीत में ही ठाकुर जी के राम जी का नाम लेते थे और चौपाई गाते थे, इसीलिए संगीत में भी बहुत ज़्यादा ताकत है, और संगीत से ही ब्रह्म को प्राप्ति किया गया है। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे जो श्रद्धालु है जो मन। क्या नाम है तुम्हारा? भास्कर। भास्कर कहाँ से आए हो? हरे पतंजलि से। अच्छा, पतंजलि से। क्या मांगा आज हनुमान जी से? क्या मांगा है? क्या मांगा है हनुमान जी से? आशीर्वाद। आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद। ठीक है, दो बच्चे भी हैं यहाँ पे और भी है। क्या नाम है आपका? गार्गी त्यागी। अच्छा त्यागी जी, आज आप यहाँ पे पहुँचे, क्या कहेंगे मंदिर में, क्या मनोकामना लेके पहुँचे हैं आज? मनोकामना तो कुछ नहीं है, बस श्रद्धा है, तो डेली आते हैं, हर मंगलवार को आते हैं। अच्छा, बताया जाता है कि इस मंदिर में खास बात ये है कि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु अपनी मांग रखते हैं या मांगते हैं तो वो उसकी पूरी होती है, बिन मांगे ही वो इतना कुछ देते हैं, तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस यही है। तो आप देख सकते हैं हम जो है मांगते हैं, जो भी इच्छाएं हमारी होती है वो जो है बिल्कुल एकदम से फास्ट तरीके से जो है बिल्कुल जो है हनुमान जी के माध्यम से जो है पूरी होती है, और हनुमान जी उनको सुनते भी है। और तो बने रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ के साथ। इस खबर में बस इतना ही। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।